Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket, Ganganagar, Mavana Road, Meerut. पंचायत व ग्राम प्रधानी के अभी चुनाव हुए हैं और अब इसे लेकर होने वाली रंजिश नतीजे अब सामने भी आने शुरू हो गए हैं। आज यूपी के मेरठ में दो पक्षों के बीच में जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान गोली मारकर एक युवक की हत्या भी कर दी गई, जबकि कई लोग गोली लगने से घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह वारदात किठौर थाना इलाके के गांव बौंद्रा में हुई। दरअसल किठौर थाना क्षेत्र के गांव बौंद्रा में पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान प्रधान साजिद व हारा हुआ पक्ष अफजाल के बीच चुनावी रंजिश चली आ रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को भी दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। आज सोमवार को दोनों पक्षों में फिर कहासुनी हुई और देखते ही देखते पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। युवक का नाम मीनू पुत्र अख्तर अली है। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा, ग्रामवासी बोंद्रा, जिला मेरठ किठौर थाना। क्या घटना हुई आज आपके? घटना यह हुआ, चुनावी रंजिश थी। जो नए प्रधान बने डॉक्टर साजिद अली, इसके पक्ष में मेरे भाई को, ताऊजादे भाई है मेरा, इसके आए 5-7 लड़के और आगे चुनावी रंजिश में, हाँ, पूर्व प्रधान के पार्टी से हैं ये हम, और उसने तुरंत आगे चुनावी रंजिश में गोली मार दी। कितने लोगों को गोली लगी है, कितने लोग घायल हैं? एक घायल है और ये हमारा भैया, इसे खत्म हो चुका है ऑन द स्पॉट ही। क्या नाम है भैया का जो खत्म हो गया? मीनू पुत्र अख्तर अली। कितने लोग थे वो? 7-8 लोग थे। ये हमारा भाई अकेला था और बच्चे थे इसके साथ। क्या गोली करने का कारण क्या बताया जा रहा है? चुनावी रंजिश, लेकिन हमारी चुनाव रंजिश भी नहीं थी। जो पूर्व प्रधान है वो भी, और दूसरा ये भी, हम तो अलग परिवार से हैं, एक ये मानो बहुत निर्मल परिवार से हैं, गरीब परिवार से, बस हमें तो इसलिए बड़ी का बकरा बनाया गया। मौकाए वारदात पर भारी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें और सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।